और ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बताते हैं, राजौरी में एक मेडिकल एजेंसी को सील कर दिया गया है, जबकि दो लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। इन लोगों को मंशियात फरोशी के इल्जाम में हिरासत में लिया गया है। इस मेडिकल एजेंसी से लगभग 110 स्ट्रिप्स बरामद की गई हैं। ज़ीरो टॉलरेंस अगेंस्ट ड्रग्स जो J&K पुलिस का नारा है, उसके तहत जो है हमने कुछ लोग पकड़े थे। उसमें उन्होंने बताया कि कहाँ से वो लाते हैं, तो हमें ये टेपेंडाडोल टेबलेट जो है ये होलसेल एजेंसी है। एक तो हमें पता चला था कि इसके ये सप्लाई करता है इनको, तो उस बेसिस पे हमने इस पर नज़र रखी। तो उसके बाद हमें जब प्रॉपर पता चला तो यहाँ से टेपेंडाडोल मिली भी हैं, जिसका कोई इसने बिल नहीं था इसके पास। इलीगल तरीके से उसने मंगवाई थी और इलीगल तरीके से वो बेच रहा था हाई रेट में ड्रग यूज़र्स को। राजौरी पुलिस की तरफ से मुहिम जो है वो लगातार जारी है। नशीले पदार्थों का जो लोग व्यापार करते हैं या इसका सेवन करते हैं, उनको पुलिस द्वारा जो है उनके ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है और उन्हें गिफ्ट में भी ले जा रहा है। मैं आपको बताऊं कि ये आप देख सकते हैं, एक दुकान है ब्रदर मेडिकल के एजेंसी के नाम पे है, वार्ड नंबर 4 और PHC ऑफिस के पास में है, सोलानी पुल का ये एरिया है। इस दुकान को जो है आज अभी पुलिस द्वारा सील किया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर सील, आप ये कैमरे में देखें या वीडियो में देखेंगे, पूरी तरह सील यहाँ पर की गई है। ड्रग्स इंस्पेक्टर और पुलिस की टीम द्वारा इसको दुकान को जो है सील कर दिया और यहां से एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया है। आपको इसके साथ साथ मैं अब यह भी बताता चलूं कि आज GMC राजौरी के एक एम्प्लॉई को जो है वो पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नशीले पदार्थों का वो व्यापार वहां करता था और उसी के निशानदेही के ऊपर जो है यहां पर कार्रवाई की गई और यहां से लगभग 1100 के आसपास जो है नशीले कैप्सूल जो है वो बरामद हुए हैं। मैं आपको बताऊं, राजौरी पुलिस द्वारा पिछले कई दिनों से इस तरह की मुहिम जो है यहां पर जारी रखी हुई है और राजौरी पुलिस नशीले पदार्थों का व्यापार करने वाले और सेवन करने वालों के ऊपर जो है कड़ा शिकंजा कस रही है।